कोर्ट ने आदेश निकाला है, क्या आदेश है, किस तरह की पाबंदी लगी है? ये जो मामला है ये NCTE की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है एक नियामक अथॉरिटी है टीचर एजुकेशन को लेकर के, उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन 2018 में जो जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत NCTE ने नोटिफिकेशन निकालते हुए बीएड धारकों को लेवल वन टीचर ग्रेड थर्ड लेवल वन के लिए परमिट कर दिया था, सब्जेक्ट टू की उनको अपॉइंटमेंट होने के बाद में एक 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंतर्गत, उसको लेकर के ये विवाद उत्पन्न हुआ। इस नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान सरकार गवर्नमेंट ने नहीं किया था और उन्होंने रीट एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसमें उन बीएड धारकों को L1 के लिए परमिट नहीं किया गया था। इसको लेकर के मुकेश कुमार व अन्य की ओर से मेरे द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें हमने ये मांगा था कि NCTE का जो नोटिफिकेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और रीट एग्जामिनेशन में बीएड होल्डर्स है उनको बैठने की अनुमति दी जाए और उनको एलिजिबल डिक्लेयर किया जाए फॉर अपॉइंटमेंट। STC जो होल्डर्स थे उन्होंने भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की, याचिका दायर करके उन्होंने NCTE का जो नोटिफिकेशन निकला था उस नोटिफिकेशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया था डिवीजन बेंच के सामने। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती आदेश के द्वारा दोनों प्रकार के पिटीशन को क्लब करके दोनों की एक साथ सुनवाई की। आज सुनवाई निरंतर जारी रही। आज के बाद सुनवाई के बाद में कोर्ट ने अंतिम ऑर्डर जारी करते हुए आदेशित किया है कि जो बीएड होल्डर्स है जिनको इंटरिम ऑर्डर के रूप में सरकार ने इंटरिम ऑर्डर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने और सरकार ने इनको फॉर्म सबमिट करने की अनुमति दे दी गई थी, उसके कंटिन्यूएशन में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करके उनको एग्जाम में बैठने की परमिशन ग्रांट की है कि बीएड होल्डर्स लेवल वन टीचर ग्रेड थर्ड के एग्जाम में बैठ सकेंगे और एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, परंतु उनका जो ये उनका एग्जाम में बैठना है ये सब्जेक्ट टू द रिट पिटीशन रहेगा। और साथ में ये आदेशित किया है कि रिट का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट है वो बिना कोर्ट के आदेश की पालना बिना कोर्ट की अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा।